तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इनसेन बीस्ट। और गाइस, आज हम लोग एक लेंस का फिर से रिव्यू करने वाले हैं जो कि निकॉन की तरफ से आता है। निकॉन का 35mm लेंस, जिसका अपर्चर आप देख सकते हैं 1 से लेके 1.8 अपर्चर है। और इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है मैनुअल फोकस का और ऑटो फोकस का। और इसका कैसे वर्क है इसका और क्या इसकी क्वालिटी है गाइस, वो मैं अभी कुछ फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ आपकी, और इसका वीडियो टेस्ट भी करके देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ दूर पे अपना निकॉन का वो रखा है और ये फोकस में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। और ये देखिए, फाइनली इसने क्या किया, फोकस कर लिया। तो गाइज, यही 35mm की सबसे खास बात होती है कि इस सेगमेंट में 35mm और 50mm और 85mm 85mm ये तीन लेंस आते हैं। तो 35mm की ये खास बात होती है कि 50mm से थोड़ा वाइड होता है और इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को काफ़ी पास में रख के इसको शूट कर सकते हैं या उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। उसकी क्वालिटी आप, मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करता हूँ जिसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटी है गाइस जो कि मैं उसमें डाल दूँगा। और ये वीडियो में भी काफ़ी एक्सपर्ट है, तो मैं इसका एक वीडियो सैम्पल भी आपको दिखा सकता हूँ। और ये इसने काफ़ी अच्छे से फोकस कर लिया है, ये देख सकते हैं आप गाइस, इसकी एक क्वालिटी है। और गाइस, ये कुछ सैंपल शॉट्स देख सकते हैं जो कि निकॉन 35mm के प्राइम लेंस से मैंने लिए हैं, और आप इसकी क्लियरिटी चेक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में तो काफ़ी अच्छा काम करता है ये। और मैंने फिर बाहर की लाइटिंग में जाके भी कुछ शॉट्स लिए हैं जो कि मैनुअल और ऑटो मोड पे दोनों में है गाइस, वो भी आप देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको इसका फुल डेडिकेटेड वीडियो क्वालिटी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।